प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। हाँ गुड मॉर्निंग जेठालाल। क्या हुआ मेहता साहब, तबीयत ठीक नहीं है? आप बताओ जेठालाल, तबीयत ठीक है भी और नहीं भी। क्या मतलब? मतलब क्या जेठालाल, परेशान हो गए यार घर में बैठे बैठे इस कोरोना काल में। पता नहीं कब ऑफिस में जाके काम करूंगा, बाहर की दुनिया की हवा खाऊंगा, कब जिंदगी पटरी पे लौटेगी। सही कह रहे हो मेहता साहब, पर आपका तो ठीक है, वर्क फ्रॉम होम तो चल रहा है, और मैं कैसे घर में बैठ के गड्डी रिपेयर करूं? हाँ भाई, मैं भी दुकान जाने के लिए इतना तलपपड़ हो गया हूँ कि कोई मुझे कहे ना कि अगर तुम चाहते हो ये कोरोना काल अभी के अभी खत्म हो जाए तो तुम्हें 6 महीने तक जलेबी फाफड़ा छोड़ना होगा, तो मैं उसे कहूंगा 6 महीना क्या, मैं 1 साल तक जलेबी फाफड़ा नहीं खाऊंगा बस। मैं भी 2 साल के लिए पार्टी शार्टी नहीं करूंगा। छोटी 2 साल? वो जेठा भरा कहने की बात है, एक बार कोरोना आउट ते कैरम इन, किसी को पता नहीं चलना। अरे नहीं नहीं छोड़े, ऐसे चीटिंग नहीं भाई, अगर कोरोना ने सुन लिया ना तो दूसरी बार बमने जोर से टटकेगा वो। ठीक है, मैं 6 महीने के लिए पार्टी शार्टी छोड़ दूंगा। ओ मेहता साहब, ओ तुसी क्या छोड़ोगे? और मैं क्या छोड़ूंगा सोडी भाई, मेरा तो सब कुछ छूटा हुआ वैसे ही है, मैं तो अपना लूंगा। और भाई मुझ पे सबसे ज्यादा जुल्म किस चीज का होता है? ये ग्रीन टी, डाइट फूड। अगर ये कोरोना काल खुल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा, ये सब अपना लूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन कितने टाइम के लिए? नहीं उनके लिए टाइम क्या छोड़ी, उनके लिए तो ये सब रोज का है ना। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि अब तक ये मुंह बिगड़ के खाते थे, अभी खुशी खुशी खाएंगे, नहीं माता साहब? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, खुशी खुशी। हाँ चलो, ये भी ठीक है। चलो भाई, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी कोरोना जोन से मुक्त हो जाए। ठीक है, ओके चलो चलो छोड़ी। 5 6 7 8 1 2 3 4। यह कोरोना काल में घर पे बैठे बैठे घर के सारे काम सीख गए, कुर्ते में बटन टाकना तक सीख गया, अभी दुकान जाके दुकान का काम कब करने मिलेगा? तू ये मेरे सफेद कुर्ते में लाल बटन लगा रहा है? हाँ बापू जी। ये हाँ वाली सफेद बटन लगा। बापू जी सफेद कुर्ते में सफेद बटन दिखेगा नहीं, किसको दिखाना है? बापू जी सफेद कुर्ते में लाल बटन एकदम मस्त उठ के आएगा बाहर। बापू जी सब लोग मुझ पे हंसेंगे। अरे कोई नहीं हंसेगा बापू जी, उल्टा सब आपकी तारीफ करेंगे कि वाह क्या मस्त लग रहे हैं आप। तू रहने दे भाई, तू मत लगा, मुझे दे, मैं सफेद बटन लगा लूंगा। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, आपको नहीं चाहिए तो मैं कोई बात नहीं सफेद बटन लगा देता हूँ, कोई बात नहीं। भाई हीरो जरा समाचार लगा ना भाई। अब बस 2 मिनट। हाँ अरे क्या 2 मिनट बेटा, पूरे लॉकडाउन में तूने यही किया है। कोई देखेगा तो बोलेगा व्यापारी के घर में तो डांसर कहाँ से पैदा हो गया। नहीं बापूजी, बापूजी आप कुछ तो बोलिए। तू जब छोटा था ना तो इतनी शरारत करता था कि गांव का हर एक आदमी आके मुझे बोलता था कि ये चंपक, ये तेरे संस्कारी खानदान में ये शरारती नंग पैदा हुआ है। और बोलू तो समाचार लगाना भाई। बेटा समाचार लगाना बेटा बस। क्यों आज न्यूज में कुछ खास आने वाला है? हाँ भाई, वो कोरोना काल को लेकर कोई खास खबर आने वाली है आज। अच्छा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और अब मैं आप लोगों को देने वाली हूँ कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से जुड़ी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन इस न्यूज को बताने के पहले मैं आप लोगों को देने वाली हूँ एक चटपटी सी खबर। एक आदमी ने अपनी पत्नी के साथ बिताए लगातार 4 महीने, और वो इस कदर अपनी पत्नी से परेशान हो गया कि उसने खुद को जाके अस्पताल में एडमिट करवा दिया। 1 हफ्ते के अंदर उस व्यक्ति का बिल 2 लाख रुपए हो चुका है, लेकिन वह व्यक्ति अपने घर जाने को तैयार नहीं है। सहायता के लिए उसकी पत्नी ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन पुलिस वालों के समझाने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक उसका घर और उसका वर्किंग एरिया कंटेनमेंट जोन और रेड जोन के अंडर आएगा, वह व्यक्ति घर जाने की सोचेगा भी नहीं। बराबर है। अब मैं आप लोगों को खबर देने वाली हूँ कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से रिलेटेड। हाँ वो बता ना भाई। तो बोलो ना, जो कि मैं आपको दूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी ये जाहिर खबर के बाद बताएगी। ये लोग भी ना इतना टटड़ाते हम सबको। दर्शकों, एक बार आपका फिर से स्वागत है कल तक पर। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुनने के लिए? अरे कब से तैयार है भाई, तो बोलना। ज्यादा कोरोना केसेस की वजह से बहुत सारे इलाके अभी भी कंटेनमेंट जोन और रेड जोन के अंडर में है, लेकिन सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कल से इन सभी इलाकों को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कल से आप लोग गाइडलाइंस और नियमों का पालन करते हुए अपने अपने काम पर वापस जा सकते हैं। इतना महीनों बाद कल से मैं दुकान जा पाऊंगा बाबूजी। अरे दुकान खुलेगी, धंधा होगा, कमानी होगी। आई लव यू रीटा, आई आभार आभार यू, तेरा लाख लाख आभार है रीटा। क्या खबर सुनाई है बाबूजी? सच में ये तो बहुत अच्छी खबर है। सॉरी। अरे सॉरी छोड़, पहले मुझे ये बता कि ये सुई है कैसे आई? दादाजी, पापा ने जब कुर्ता उछाला ना तो कुर्ते के साथ साथ सुई भी सोफे पे आ गई। सॉरी बापूजी, सॉरी। वो चल अभी सॉरी बोलना छोड़, खुशी मना। दादाजी मुँह से क्या मस्त ढोल बजाते हो। अरे टप्पू, पूरे गांव में बापूजी का नाम था। एक बापूजी थे जो मुँह से इतना फर्स्ट क्लास ढोल बजा सकते थे। दादाजी वाह, बस बैठे, बस बापूजी बैठे। अरे थक गए बापूजी, बैठ। अरे क्या थक गए? अरे अभी आप ही बोल रहे थे ना, थक गया। अरे नहीं जेठा, थक गया नहीं, मैं थकी गया नहीं कर रहा था। बाबूजी भांगड़ा नहीं, अपना कच्ची बजाओ। भांगड़ा कहाँ से बज रहा है? पापा भांगड़ा ढोल की आवाज कंपाउंड से आ रही है। कंपाउंड में कौन बजा रहा है? पता नहीं, चलिए देखते हैं। आई पापा जी। वो कल से गैरेज जाऊंगा और मैं भी कल से दुकान जाऊंगा। हाँ बोले। अरे मैं भी कल से मेरे ब्यूरो जाऊंगा। खटन गया सी ते खट के ले आंदा ताल। ओ पंगड़ा तास सजदा जद नचे सारे मेरे नाम। सोडी अंकल, जब हमारा घर में गरबा चल रहा था ना तब आपका भांगड़ा शुरू हो गया, तो हमारा गरबा अधूरा रह गया, तो प्लीज गरबा बजाइए ना। क्यों पापा, हो जाए? हाँ, अच्छा आइडिया है, बजा सोडी गरबा बजा। अब्दुल, इसी खुशी में तो मैं ढोल बजा रहा हूँ और इसी खुशी में सारे नाच रहे हैं। अरे मुझे तो लगा कि टाइम पास के लिए ढोल बजा रहे हो। बोलो। अरे नहीं भाई अब्दुल, अभी बहुत हो गया टाइम पास भाई। हाँ। अभी कल से काम ही काम बेशुमार है बाबूजी। हाँ। क्यों मेहता साहब? हाँ भाई बहुत काम करना है और ऑफिस जाने की इतनी खुशी हुई पूछो मैं दौर छोड़ी। तुमने ढोल बजा के खुशी को दुगना कर दिया, उत्साह को बढ़ा दिया। यस। भाई कल से ऑफिस जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब बिल्कुल। अरे कितने महीनों बाद मैं कल मेरी दुकान के दर्शन कर पाऊंगा। कितने महीनों बाद बापूजी दुकान में खरीदी करने आए हुए कस्टमर के दर्शन कर पाऊंगा। कितने महीनों बाद नट्टू कक्कर बागा मेरे मगज की नस खींचेंगे। मैं तो दुकान जाने के लिए मेहता साहब ऐसे थनगन रहा हूँ जैसे मोर नाचने के लिए थनगन रहा हो। घन घोर जरे चहुआर मारू मान ओह जटिया मोर बनी थन गाट कर मन, मोर बनी थन गाट कर मन, मोर बनी थन गाट करे हे, मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे, मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे। वाह क्या गाया है गाना बापूजी। वाह वाह जेठा भाई क्या बात है। वाह भाई आप सब लोगों को पता है ये जो गाना है ना मन मोर बनी थन गाट करे, ये हमारे देश के सबसे बड़े लोक साहित्यकार श्री झवेरचंद मेघाणी जी ने लिखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी। और एक बात और, आदरणीय श्री झवेरचंद मेघाणी जी को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शायर कहा था। बिल्कुल बिल्कुल। मन मोर बनी थन गाट करे, मन मोर बनी थन गाट करे। जेठालाल तुम दुकान जाते समय ऐसा मोर डांस करेगा ना तो सब लोग तुमको हंसेगा। नहीं 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 बराबर बराबर बोल रहे हैं आप। सॉरी सर बराबर। अरे बबीता जी कल आपने मुझे और बापूजी को जो ईयर भाई के बारे में बोला ना एकदम परफेक्ट बोला। ईयर भाई 100 टका नहीं 200 टका वैसे ही है। बबीता तुमने क्या कहा था मेरे बारे में चाचा जी और जेठालाल को? नहीं बबीता जी बताना मत वरना बेचारा ईयर भाई बुरा मान जाएंगे। बबीता मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा, तुम बताओ तुमने चाचा जी और जेठालाल को मेरे बारे में क्या बताया? नहीं बबीता जी नहीं मत बताना। बबीता अगर ये तुमने नहीं बताया ना तो तुमको मेरा कदम है। अरे ईयर भाई साइनिस्ट के कसम खाने की बात कर रहे। तुम बीच में मत बोलो बबीता, प्लीज बताओ ना, प्लीज बताओ ना। यार एक मिनट तुम मुझे बात तो करने दो। मैंने जेठा जी और चाचा जी से कोई बात नहीं की, वो तुमसे मजाक कर रहे हैं। यार भाई हाँ यार भाई मैं मजाक कर रहा था, सॉरी भाई सॉरी। जेठालाल तुम कब सुधरेगा? जब ये भीड़ा सुधर जाएगा ना तभी मैं भी सुधर जाऊंगा बस। ओ जेठालाल क्या बोल रहे हो? मैं बिगड़े कब था जो सुधरने की बात कर रहे हो? मैंने ऐसा कौन सा बिगड़ा हुआ काम किया है? हाँ? अभी छोड़ना भाई सबके सामने कहाँ बोलूं अभी छोड़। नहीं बताओ बताओ सबके सामने बताओ। अरे सबके सामने बताने जैसा नहीं है भाई, फिर भी अगर तुझे जानना है तो माधवी भाभी से पूछ ले जा, उनको सब पता है। माधवी को पता है? क्या जेठालाल यार तुम भी भिड़े ने तुम्हारे मजाक को सच मान लिया भाई। हाँ भाई इसीलिए तो बोला भाई बे घड़ी गम्मत भाई, छोड़ा ना यार अभी मजा आएगा। देखो मुझे एक बात बता, मैंने ऐसा कौन सा बिगड़ा हुआ काम किया जो मुझे सुधरने की जरूरत है? शादी के बाद ना आप मुझे रोज आई लव यू कहा करते थे लेकिन आजकल एक बार भी नहीं कहते। इसमें आपको सुधरने की बहुत जरूरत है। लेकिन एक मिनट, आज अचानक ये सवाल क्यों आया आपको? क्या भाई है ये बात तुमने जेठालाल को बताई? नहीं नहीं ये आई लव यू वाली बात मैं जेठा भाई को क्यों बताऊंगी? तो वो क्या सबके सामने मुझे बोल रहा है बालकनी में कि तुम बिगड़ गए हो, तुम्हें सुधरने की जरूरत है, जाके माधवी से पूछो। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एक मिनट मैं उनको पूछती हूँ जरा पक्का। विचार विचार जेठा भाई कहाँ पीछे रह गया, आना भाई। अभी माधवी भाभी सब सच सच बता देंगे तुझे। हाँ माधवी भाभी भिड़े को और सबको ये बताओ वो उस दिन मेहता साहब और अंजलि भाभी के सामने आपने जो भिड़े के बारे में बात कही थी वो आपने ही कही थी ना? हाँ हाँ वो बात मैं नहीं कही थी। क्या कौन सी बात माधवी? तुमने अभी मुझे बोला कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं और अभी तुम बोल रही हो कि मैंने कही थी। काय ताले गए? मतलब वो बात भी मेरी ही थी, ये बात भी मेरी ही थी। कुठली बात काय चालले एग्जैक्टली? माधवी तुमने भी मुझे बोला था कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। सॉरी सॉरी जेठा भाई। माधवी भाभी तुम्हें तो इनके साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकती हूँ। जेठा भाई मजाक कर रहे हैं आपके साथ। जेठालाल मजाक तो बनता है ना भाई। बनता है भाई, बनता है। जेठालाल मुझे मजाक पसंद नहीं है। और माधवी तुम भी शामिल होगी इसके साथ? मला हे अजिबात आवडलेलं नहीं है। अहो ऐका मैंने मजाक किया। शाबाश भिड़े, शाबाश। ओहो वाह भिड़ू, नहले पे दहला। हाजी वाह। तो क्या तुम भी मजाक कर सकते हो? मैं नहीं कर सकता मजाक। नहीं कर सकते। अरे वाह भिड़े वाह। जीवन में हंसी मजाक के अलावा और रखा ही क्या है? करेक्ट करेक्ट। टिप्पणी है जेठा भाई, अभी दया भाभी भी अहमदाबाद से वापस आ जाएगी ना? हाँ। कांग्रेचुलेशन जेठालाल, दया भाभी आ जाएगी। पता नहीं मेरी पत्नी कब आएगी। आ जाएगी। पोपटलाल मुझे पता है तुम्हारी पत्नी कब आएगी। कब कब कब? तुम्हारी शादी होने के बाद। चालू रखो दौर, चालू रखो मजाक का दौर, चालू। आज सब मजाक के मूड में है। और पोपू पहले तू मेनू एक गल दस, तू बालकनी में पीपीई किट पहन के क्यों खड़ा है? अरे हाँ हाँ। अरे भाई सोडी, जब से कोरोना शुरू हुआ है ना, मैंने एक खास बड़े ज्योतिषी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। जिस दिन मुझे खतरा ज्यादा है वो बताते हैं, उस दिन मैं पीपी किट पहन के घूमता हूँ, घर के अंदर घर के बाहर। ये पीपी किट सुरक्षा कवच है। अरे भाई इससे मैं बीमार होने से बच सकता हूँ। जरा सोचिए कि किसी ने कंपाउंड में छींका और वो छींक मतलब उसका वायरस उड़ते हुए सेकेंड फ्लोर मेरे घर आकर मुझसे चिपक गया तो भाई बीमार लड़के से कौन लड़की शादी करने के लिए हाँ बोलेगी? हाँ फिर तो पोपट भाई का रिश्ता होने से पहले ही कैंसिल हो सकता है। पर पाने ना होता ना कोरोना। भाई शादी के मामले में मैं 1% भी रिस्क नहीं ले सकता। अब पोपटलाल इतना डरने का जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं बराबर है यार बेटा, लेकिन चेत तो नर सदा सुखी। मतलब अरे मतलब ये अय्यर कि जो व्यक्ति सावधान रहता है वो हमेशा सुखी रहता है, इसलिए व्यक्ति को सावधानी रखनी चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ अरे वाह, सभी लोग यहीं पर है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग हाथी भाई, गुड मॉर्निंग हाथी भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हाथी भाई, गुड मॉर्निंग। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ मैंने अभी टीवी पर देखा, बहुत ही बड़ी और सही खबर है। पर हंस तुम्हारे लिए तो नॉर्मल बात है क्योंकि तुम तो रोज हॉस्पिटल जाते हो। और पापा आप तो कोरोना काल खत्म होने के बाद भी रोज हॉस्पिटल जाओगे। ऑफ कोर्स सही बात है। I'm so proud of you हंस। थैंक यू कोमल। हेलो हाँ जी मैं रेडी हूँ। हाँ बस आप सोसाइटी के बाहर आइए, मैं आता हूँ। हाँ हाँ ओके ओके। कोमल मुझे निकलना होगा। वो हाथी भरा अस्पताल जाना है तो मैं अपनी गड्डी में छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं सॉरी, हॉस्पिटल से कार लेने आ रही है मुझे। अच्छा डॉक्टर आतिफ एक बात तो कहनी पड़ेगी, जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है हम लोग तो घरों में बैठे थे, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब आप अपने अस्पताल नहीं गए। क्या बात है डॉक्टर, खरे करा टड्डन साची बात। अरे मेहता अंकल ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत बार तो पापा को लेट नाइट फोन आता है तो भी वो उठ के जाते हैं। हाँ अब हंस के लिए खाना प्रायोरिटी नहीं है, अब पेशेंट की सेवा हंस की प्रायोरिटी है। हाँ हाथी भाई आप तो हमारे कोरोना वॉरियर हो। वेरी प्राउड ऑफ यू। सल्यूट 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 है आपको, सच में सल्यूट सारे डॉक्टरों को। बिल्कुल बिल्कुल हाथी भाई, हम सबको पूरे गोकुलधाम सोसाइटी को आप पे गर्व है, क्यों दोस्तों? यस यस एब्सोल्युटली। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सिर्फ गर्व नहीं है जेठालाल, अगली एनुअल मीटिंग में हाथी भाई को पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से गो वीपू दिया जाएगा, यानी कि गोकुलधाम वीरता पुरस्कार। हो रहे हैं। बाप रे, कांग्रेचुलेशंस। अरे दिया क्या जाएगा, मैंने तो दे दिया। हाथी भाई आंचा दोस्तों, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, छोटी गैराज जाएगा, जेठालाल की दुकान खुलेगी। भाई मेरा जी कर रहा है कि मैं पंछी की तरह उड़ता हुआ चला जाऊँ। बस आप कहेंगे भाई क्या तारक मेहता पगला गए? अरे भाई बात ही इतनी खुशी की है, खुशी में आदमी पागल हो ही जाता है। सब कुछ धीरे धीरे खुल रहा है, ठीक ऐसे ही जैसे आप भरपूर ट्रैफिक में फंसे और अचानक सिग्नल खुल जाए, या बच्चे एग्जाम में व्यस्त और कहे कि अचानक वेकेशन हो गई है भाई, और या फिर कोई मछली कांटे में फंसी और कांटे से निकल जाए। उससे कहीं ज्यादा खुशी हम लोगों को महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है गोकुलधाम निवासी एक तरह से फिर से आजाद हो रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल होने जा रहा है। यूं कहिए कि नॉर्मल होने वाला है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कुछ भी नॉर्मल अगर होता है ना तो एबनॉर्मली हंगामे जरूर होते हैं। तो इस नए नॉर्मल में कितने हंगामे होते हैं ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा सुषमा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।